बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 पॉलिटिक्स का चैप्टर 10 और यह चैप्टर आपका है लॉ एंड सोशल जस्टिस। बच्चों आप इस सब्जेक्ट में कई लेसन में लॉ से रिलेटेड, सोशल से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, लॉ एंड सोशल जस्टिस। लॉ मीन्स कानून आपको पता होना चाहिए और सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। इसका मतलब क्या होगा कि कानून हो और सामाजिक न्याय भी हो। दैट मीन्स इफ कानून हैज बीन प्रेजेंट इन योर कंट्री बट यू कैन नॉट गेट सोशल जस्टिस, व्हाट इट मीन्स टू लॉ। अगर कानून है, ला है, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, तो कानून बनने का क्या फायदा। दैट फॉर एग्जाम्पल आपके लिए सब कुछ खाने पीने के लिए है, आप खाने को पा ही नहीं रहे हैं, कब्जा किसी और का बैठा है, तो व्हाट इट मीन्स टू लाइक दिस फूड, उस तरह की व्यवस्था क्या मतलब है। जो कि आपके लिए कहने को तो है कि आपका है, लेकिन उसका यूज आपके लाइफ में कुछ मिल ही नहीं रहा है, दैट मीन्स दैट इज नथिंग। सो दैट रिलेटेड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन। इससे संबंधित बहुत सारी चीजें आप इस सेशन में देखने जा रहे हैं। आपका चैप्टर है लॉ एंड सोशल जस्टिस। इसमें आप लोग क्या देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीड ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस। दैट मीन्स आवश्यकता क्या है, कानून की आवश्यकता क्या है, सामाजिक न्याय की जरूरत क्यों पड़ती है। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों लॉ एंड सोशल जस्टिस इश्यू रिलेटेड, मीन्स किसी स्पेशल टॉपिक से संबंधित इसकी आवश्यकता क्या है। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका, सरकार की भूमिका क्या है सोशल जस्टिस और लॉ, मीन्स कानून बनाने में, इन्फोर्समेंट करने में, सामाजिक न्याय दिलाने में क्या गवर्नमेंट की भी कोई भूमिका है। और लास्ट पॉइंट बच्चों को देखेंगे रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्या आपके सोशल जस्टिस में रोल ऑफ फंडामेंटल राइट्स का भी कुछ संबंध है, कोई रिलेशन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखने जा रहे हैं नीड ऑफ लॉ एंड सोशल, नीड ऑफ लॉ मीन्स सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक न्याय मिलने के लिए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो कानून की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ेगी, कानून की आवश्यकता इसीलिए पड़ेगी। अभी आप देखिए, आप पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, आप कहेंगे अरे सर अभी तो इस क्लास का याद ही नहीं, आप पिछले क्लास का याद दिलाते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने बच्चों एक स्टोरी पढ़ा था, वो स्टोरी क्या थी मैं आपको तुरंत पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद दिलाता हूँ। वो स्टोरी थी आपके मुख्य रूप से व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय क्या एक शर्ट की कहानी है, स्टोरी याद है, शर्ट है आपको याद। चैप्टर ये क्लास 7 के लगभग 8 या 9 चैप्टर था स्टोरी ऑफ द सन। उसमें क्या था, उसमें वर्क करने वाले लोग बहुत थे। सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस करने वाले मीन्स फार्मर, और सबसे लास्ट में आप कंज्यूमर। इसके बीच में बहुत सारे लोग थे, इसके बीच में व्यापार करने वाले और इंडस्ट्री लगाने वाले, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, मार्केटिंग मैनेज करने वाले। इतने लोग होने के बाद होता क्या था, क्या जो लोग जितना मेहनत करते थे उनको उसका उतना आउटपुट मिलता था, उनके मेहनत के बराबर उनको रिस्पांस मिलता था, ऐसा नहीं था। उसमें कई तरह से इनलीगल एक्टिविटी भी देखने को मिली थी। तो उसी से जोड़ते हुए हम लोग इस चैप्टर को समझेंगे तो आपके समझ में ज़्यादा अच्छी तरह बच्चों आएगा। अब आप देखिए, आप कह रहे हैं नीड ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, मीन्स आखिर क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता किस तरह से है, सामाजिक न्याय पाने में इसकी किस तरह से आवश्यकता आपको दिखाई पड़ती है। उसमें आप देखिए मार्केट में क्या हुआ था, मार्केट क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले लोग बहुत थे, लेकिन मैक्सिमम नीचे के डाउन लाइन एक जो चैन बनी थी काम करने वाले लोगों का, उन लोगों का जबरदस्त एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, मीन्स उनका शोषण हुआ था। वो कार्य तो करते थे, कार्य जबरदस्त करते थे, मेहनत करते थे और कॉटन से, यार्न से कपड़े तैयार करते थे, मेन वर्क उन्हीं का था, वीवर्स का था, लेकिन फायदा कौन लेता था, मर्चेंट लेते थे। आपको मर्चेंट जो उनको यार्न देते थे, यार्न दे
बाद एक निश्चित रेट डिसाइड कर देते थे और कपड़े तैयार होने पर भी एक निश्चित अपने रेट के अनुसार उसे ले लेते थे। फार्मर की क्या स्थिति थी? इससे भी बेकार स्थिति फार्मर की थी। फार्मर खेती करते थे, ब्याज पे पैसा देके उनको सीड्स लेना पड़े, पेस्टिसाइड्स लेना पड़े, डिफरेंट आइटम लेना पड़े, लेकिन लास्ट में उसी व्यक्ति को अपना मेटेरियल तैयार होने के बाद कॉटन बेचना पड़ता था जिससे पैसा उधार लेके खेती कर रहे थे। इस कारण से कंडीशन में टर्म फंसे थे। लाइक एट मेनी एग्जाम्पल यू में फाइंड आउट वेयर यू कैन गेट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लोइटेशन इज गोइंग टू हैव, किस तरह से कैसे इन लोगों का, कुछ लोगों का एक्सप्लोइटेशन होता है, शोषण होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि क्या ला के रहते हुए भी लोगों का एक्सप्लोइटेशन और शोषण होता है। दैट मीन्स ला का पॉलिसी बन गया, उसके लिए कानून बन गया कि भाई किसी का एक्सप्लोइटेशन नहीं होगा, किसी का शोषण नहीं होगा। तो क्या कानून बन जाने के बाद सचमुच किसी का नहीं होगा? उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, उस ला का अच्छी तरह से नियमता लागू होना। इस तरह का कानून हो, इस तरह का ला हो जो शोषण के खिलाफ उनको सामाजिक न्याय दिलाए, समाज के हर लोगों के बराबर पैरेलल उनको स्टैंड करे, बराबर रिस्पॉन्स को उनको महत्व, वैल्यू और स्टैंडर्ड उनका भी डिग्निटी बनाए रखे और उस ला का इन्फोर्समेंट भी हो। दैट मीन्स अगर किसी का कहीं न कहीं से लॉ ब्रेक होता है, किसी न किसी का कहीं से मान सम्मान, रिस्पेक्ट अगर उसको लगता है, डिग्निटी डाउन होती है, या फिर वर्क करने के बाद भी उसको जो रिस्पांस मिलना चाहिए, वेजेस मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है, उससे संबंधित लॉ हो और अकॉर्डिंग टू रूल लागू भी हो। चलिए बच्चों आगे हम लोग क्या देखेंगे, लॉ एंड सोशल जस्टिस इश्यू रिलेटेड इश्यू। अब देखिए ला और सोशल जस्टिस को हम लोग देखेंगे एक स्पेशल कुछ सिचुएशन में किस तरह से क्या होता है। आप जैसे देखिए कॉमन मार्केट सिचुएशन क्या है, जनरली कॉमन मार्केट सिचुएशन मैक्सिमम प्लेसों पे आप देखेंगे प्राइवेट कंपनी का हुआ, कॉन्ट्रैक्टर्स हुए, बिजनेस पर्सन हुए, या कोई भी व्यवसाय बिजनेस करने वाले लोग होते हैं, हर किसी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हर किसी का मेन एम होता है मैक्सिमम अर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग उनको किस तरह से हो। हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी सिचुएशन में, उसको सिचुएशन के कोई मतलब नहीं है, क्या स्थिति होती है, क्या लेबर के साथ क्या होगा, उनके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ होगा, ला क्या स्थिति होगा, दैट्स अ डजंट मैटर, बट दे वांट टू मैक्सिमम मच एंड मच मोर मनी। क्या चाहते हैं हर व्यवसायी, हर बिजनेसमैन, भाई व्यवसाय इसीलिए कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। वो किसी भी तरह से अपने वर्कर के राइट का, उनके अधिकार का, उनके वेजेज का, हर चीज़ का इग्नोर करते हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं, दे वांट ओनली पर्सनल बेनिफिट। तो क्या होता है ऐसे स्थिति में, उनको लो वेजेस दे रहे हैं, मिनिमम वेजेज रूल एक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे स्थितियों में आप क्या कहेंगे, ला ब्रेक होता है, ला टूटता है, कानून में जो रूल रेगुलेशन बना है उसके अकॉर्डिंग भी उनको नहीं मिल रहा है, वो ला का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, क्या हर जगह जिसके साथ कानून से अलग हट के उनको जो मिलना चाहिए, कानून जो कहता है, अगर नहीं मिल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या ला सचमुच उनकी हेल्प करता है? आप देखिए उदाहरण के लिए क्या होता है, ला जैसे प्रोटेक्ट करता है और हर तरह के उन लोगों के लिए इस तरह की प्रोसीजर देता है, व्यवस्था देता है जो कंज्यूमर है, यूज कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट है, उनको भी कई तरह से ला सुविधा देता है, व्यवस्था देता है। जैसे कि वो किसी भी तरह से ला उनके योग्य सफिशियंट हो, उनके योग्य कानून हो और उस कानून को पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, क्या इस तरह से कानून बन जाना या सफिशियंट है? दैट मीन्स मेकिंग लॉ इज एनफ,
आप फिर सेकंड सेंटेंस आप कह सकते हैं मेकिंग लॉ इज नॉट एनफ। आप देखिए गवर्नमेंट्स की मुख्य यहाँ पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट की सबसे मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट हैज़ टू इंश्योर दैट दीज लॉ आर इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट उस लॉ को लागू करवाए। गवर्नमेंट अगर लागू नहीं करवाती है तो इस तरह से आप देखिए आप स्टोरी पढ़े हैं शर्ट से रिलेटेड, शर्ट बन के तैयार हो गया जिसकी शुरुआत कास्ट फार्मर को पर पीस 50 रुपीज़ भी नहीं मिले होगी, लास्ट में वही शर्ट 1800 रुपीज़ का बिकता है USA में। आप एग्जांपल देखे थे क्लास 7 में, आप फिर उसको आप समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको मान लीजिए। तो क्या हुआ था ऐसे ऐसे में ला के एक्यूरेट इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंट ना होने के कारण इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई। इन्फोर्समेंट पर्सन्स इवन मोर इम्पोर्टेंट विद ला सीक्स टू प्रोटेक्ट वीक फ्रॉम स्ट्रॉन्ग। आप देखिए क्या होता है इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट ला आवश्यकता अनुसार जो बना है वो हो और उसके साथ साथ ला इस तरह का ना हो कि वीक हो, कमजोर हो और स्ट्रांग हो उस पर अपने आप अपने ला को कमजोर करने का कार्य करे, ला के अगेंस्ट उस पर हावी हो जाए। अब आप देखिए ला से रिलेटेड सरकार का रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट रिलेटेड टू द ला व्हाट यू आर गोइंग टू से। वी कैन से दैट थ्रू मेकिंग enforcing and upholding this law the government can control the activity of individuals or private companies so as to ensure social justice। अब क्या कहते हैं हम कह सकते हैं कि लॉ बनने के साथ enforcement और उसका आवश्यकता अनुसार लोगों के बीच में लागू होना, लागू करवाना सरकार की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके एक्टिविटीज़ ला के रिलेटेड वर्क को कंट्रोल करना, ला क्या रिजल्ट दे रहा है उसको भी सरकार को देखना होगा। किसी पर्सनल व्यक्ति के संबंधी या एक ग्रुप से संबंधी या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संबंधी या किसी कंपनी से कानून बन गया और इन्फोर्समेंट भी हो रहा है, लागू भी हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत मामलों में कंपनी के मामलों में बड़े मैटर पे रिजल्ट क्या दे रहा है, क्या सचमुच वाला वह कानून उस तरह का है जैसे उसको होना चाहिए। तो आप देखिए बहुत सारे मामलों में इससे रिलेटेड आपका फंडामेंटल राइट्स जैसे रोल ऑफ फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो रोल ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, रोल ऑफ फंडामेंटल राइट में आप देखिए आपका फंडामेंटल राइट में एक राइट है आपने पढ़ा होगा राइट टू एक्सप्लोटेशन। राइट टू एक्सप्लोटेशन आपने देखा है वह क्या कहता है आपको, वो सबसे बड़े ही फोर्सफुल तरीके से कहता है कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी कार्य में ना लगाया जाए और किसी बच्चे को जिसकी एज 14 ईयर से कम है उसे खतरनाक प्लेस पे फैक्ट्री पे इंडस्ट्री में कोई कार्य ना दिया जाए। ये कौन कहता है, आपका फंडामेंटल राइट्स कहता है, ये राइट्स कहता है। बट व्हाई वी आर नॉट फीलिंग दैट एवरी लॉ इज लुकिंग एज अ इम्प्लीमेंटेशन, ऐसा हम क्यों बार बार सोचते हैं कि जो लॉ बने हैं जो कानून बने हैं वो सचमुच लागू नहीं होते। आखिर इस तरह की विचारधारा इस तरह की थिंकिंग हमारे आपके मन में क्यों आती है। आप बुक को वॉच करते हुए वीडियो देखेंगे आपके समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। बच्चों इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस मैटर है इसी लेसन का भोपाल गैस टेस्टी। बच्चों आपको एक महत्वपूर्ण बात की जानकारी होना चाहिए कि बुक का आपके लास्ट चैप्टर है और यह मेन थीम मेन बेस मेन बिल आपके पूरे बुक का देखा जाएगा, इसीलिए आपको इस चैप्टर को बहुत ही सीरियसली देखना है, समझना है और पढ़ना है। इसके वीडियो को बड़ा ही कंसेंट्रेट होकर वॉच करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। इसमें भी आप आगे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक स्टोरी भोपाल गैस टेस्टी, भोपाल में बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, तो वहाँ पर जो घटना घटी कैसे घटी। तो बच्चों
यह आपका इस चैप्टर का पहला वीडियो था जिसमें आप लोगों ने कानून, उस सोशल जस्टिस और कुछ और पॉइंट के बारे में डिस्कस किया कि वुमेन रोल, फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, क्या है आपके सोशल जस्टिस से संबंधित। तो इसके बाद अब कुछ अन्य टॉपिक पे इससे रिलेटेड चर्चा करेंगे बच्चों, इस लेसन से अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। सो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच एंड बाय। वाला थैंक यू।